हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी क्रिकबॉल। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 में खेला जाने वाला मैच नंबर 11 जो कि खेला जाएगा 13 मार्च को 7:30 बजे शाम में। और टीम तो मिलेगी आपको लाइनअप के बाद जो कि आता है 7 बजे, लेकिन सारी डिटेल मैच के बारे में, स्पेशली जीएल टीम बनाने के लिए सारी डिटेल आपको कहाँ मिलने वाली है, तो इस छोटे से वीडियो में सब कुछ कवर होकर मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा, गिव अवे स्पेशल वीडियो है, तो यहाँ पर फ्री में प्राइजेस भी जीतने वाले हो। और मुझे अपने यूजर से स्पेशली ये कहना है कि लास्ट वीडियो में कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि गिव अवे रखा जाता है, लेकिन फैंटेसी क्रिकबॉल में गिव अवे मिल नहीं रहा है। तो गाइस, जो भी अभी तक गिव अवे विनर बन चुके हैं और उनको उनका प्राइज मिल चुका है, तो जरूर से कमेंट करके उनको जवाब में बता दीजिएगा कि आप जीत रहे हो और डेली जीत रहे हो। तो ये उम्मीद मुझे आपकी तरफ से, मैं कोई सफाई यहाँ नहीं देने वाली हूँ, ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ये सारी चीज़ें आप करने वाले हो मेरी तरफ से। और मैं देखती हूँ कौन कौन से लोग मेरे सपोर्ट में आने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारा सपोर्ट आपकी तरफ से मिल रहा है। इतना प्यार, इतना विश्वास, इतना सपोर्ट जिसकी ज़रूरत है और जिसके बलबूते हम यहाँ तक आ पाए। विमेन एम्पावरमेंट की बात पूरी दुनिया कर रही है, बीसीसीआई ने भी एक नई पहल कर दी 2023 में विमेन्स आईपीएल स्टार्ट करके, और वही बात जो पूरी दुनिया कर रही है आपके साथ भी वही हो रहा है। आप भी तो वही कर रहे हो, एक विमेन को यहाँ सपोर्ट कर रहे हो। प्रेडिक्शन के लाइन में जहाँ बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ किया करते हैं कि ये क्या हमको बताएगी, हम तो खुद ही 30 मार खाने, लेकिन आपने उसको रॉन्ग प्रूव किया है। और जो कमेंट आप इतने अच्छे अच्छे कर रहे हो ना, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, जो भी फैंटेसी खेलते हो, ना भी खेलते हो तो भी उनको आप शेयर कर सकते हो, खेलना शुरू कर देंगे। तो गाइस, सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1 सेकंड लगता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और इसके अलावा टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए मैं यहाँ नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको खुद जाके देखना है हमने WPL में किस तरह की विनिंग करा रही है। इसके अलावा वीडियो में तो बड़े मैचेस, इंटरनेशनल मैच कवर होते हैं, बहुत सारे मैचेस जो पैरेलल में चल रहे हैं, आपकी इंग्लैंड वाली मैच देख लो, इंग्लैंड बांग्लादेश, या बात कर ले PSL की, अभी आपके लीजेंड लीग स्टार्ट हो गए, हर एक मैच टेलीग्राम पे कवर किया जा रहा है। कोई स्किप हो भी जाता है ना, तो आपके मैसेज जो धड़ाधड़ आने लगते हैं ना टेलीग्राम पे, इसकी टीम चाहिए, तो तुरंत दिमाग में आ जाता है कि यार टीम देनी है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे कुछ, तो एक्सपेक्टेशन पे पानी नहीं फिरने वाला है, हम अपने तरफ से 100% देने वाले हैं गाइस। बाकी देखो, क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है, हमेशा मैं कहती हूँ, यहाँ आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आज कौन चलने वाला है कौन नहीं, लेकिन हम स्टैट्स पे चीज़ों को फॉलो करते हैं, और उसी वजह से हमारी विनिंग रेशियो इतना ज़्यादा रहता है। टेलीग्राम पे जाके हमारी कुछ टीमें लास्ट में चेक कर सकते हो कि किस तरह की टीम प्रोवाइड की जा रही है, सेम टीम से क्या पॉइंट आ रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट रहा और उसका क्या रिटर्न आया। अगर लगेगा बात में सच्चाई है तो ज़रूर से ज्वाइन हो जाना। और गिव अवे स्पेशल वीडियो में आपको 2 इजी क्वेश्चन वीडियो के मिड में पूछे जाएंगे। यहाँ पर लास्ट वाला तो काफ़ी इजी कर दिया था मैंने, यहाँ थोड़ा टफ होने वाला है, तो तैयार हो जाओ। इसके साथ साथ 3 कंडीशन रहने वाली है, गिव अवे विनर बनना है तो सबसे पहला कंडीशन तो मैं सबसे पहले बताऊंगी, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि वो मुझे भेजते हैं कि हमारा भी आंसर सही हुआ था। गाइज, इस तरह तो बहुत सारे लोग सही आंसर कर देंगे, मैं कितने लोगों को गिफ्ट हैम्पर देती रहूँगी, तो ये चीज़ एकदम नोटेड कर लो। सही आंसर के साथ साथ सबसे पहला सही आंसर अगर आपने कर दिया तो आप विनर बन जाओगे, लेकिन वही सही आंसर अगर आप बाद में करते हो तो फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जल्दी वीडियो देखा करो और जल्दी उठा करो सुबह में। तो गाइस देखो, ये पहला कंडीशन रहने वाला है। दूसरा कंडीशन, आप वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हो, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़ ये रहने वाली है कि आपको टेलीग्राम का मेंबर होना नेसेसरी है। 3 कंडीशन है और बहुत ईजी, इसमें आपके फ़ायदे हैं, बाकी आपके सपोर्ट से हमारा तो हमेशा ही अच्छा हुआ है, जो खुशी है हर चीज़ आपकी वजह से, और आपकी वजह से यहाँ है तो आपके लिए हर कुछ करना चाहेंगे। कैसी होगी पिच, किसको फेवर करने वाली है, कौन कितने रन बनाने वाला है, कौन कितने विकेट निकालने वाला है, दिल्ली कैपिटल RCB किस तरह से आपस में भिड़ने वाली है। मेंस में तो हमें बड़ा मज़ा आता है ये मैच देखने में, लेकिन विमेंस में RCB का इस बार जो हार रहा है ना गाइस, 4 के 4 मैच अभी तक हार चुकी है, और अपना पहला मैच जो कि दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेली थी, वहां भी दिल्ली कैपिटल ने वन साइडेड मैच क्लीन स्वीप किया था, 223 रन, सबसे हाईएस्ट, इस WPL का सबसे हाईएस्ट रन RCB के खिलाफ दिल्ली कैपिटल की टीम ने बनाया था और ईजिली उस मैच को जीत लिया था। तो काफ़ी टफ होने वाला है RCB को कमबैक करना, उस मिली हार का बदला लेना, इसके साथ ही साथ एक जीत से एक नई शुरुआत करना। तो सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मैच वेन्यू की।
ये मुकाबला डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी स्टेडियम नवी मुंबई में होने वाला है। गाइस देखो, अगर मैं पिच की बात करूँ तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बैटर पिच को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल फोर्स बैटिंग करने आती है तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोर बनने वाला है, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग थोड़ी कमजोर है। लेकिन वहीं अगर आरसीबी फोर्स बैटिंग करने आएगी तो फिर दिल्ली कैपिटल के सामने बहुत ज़्यादा स्कोर बनाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आरसीबी की बैटिंग लाइन में भी प्रॉब्लम है। आपकी टॉप प्लेयर स्मृति मंदाना आउट ऑफ फॉर्म चल रही हैं, एक भी मैच में परफॉर्म नहीं किया। अगर यहाँ मैच जीतना है तो स्मृति को खेलनी पड़ेगी कप्तानी पारी। स्टार्ट चीज़ें और क्लियर कर देंगी। पिच पे टोटल 6 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फोर्स बैटिंग करने वाली टीम ने 1 मुकाबले जीते और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मैच जीते हैं। तो चेस करने वाली टीम के जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो यहाँ पर बॉलिंग चूज करने वाली है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 187 है हाईएस्ट स्कोर, मुंबई इंडियन वुमेन ने बनाया 207 पे 5 रन है। लोएस्ट स्कोर की बात करें, गुजरात जायंट्स ने बनाया है 64 पे, पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे कि किस तरह का स्कोर पिच पे ज़्यादा बनते हुए देखा जाता है। 150 से नीचे का स्कोर 2 बार बन चुका है गाइस, 6 में से 2 बार 150 से नीचे, और 4 मैच ऐसे हुए हैं जो 170 प्लस के मैच हुए हैं। तो आप यहां से ही डिसाइड कर सकते हो कि ये एक बैटिंग पिच है। और यहां अगर लास्ट कुछ मैच की बॉलिंग अटैक की बात करें तो पेसर्स को तो भयंकर मदद है, एज यूजुअल हमेशा रहता है, क्योंकि आप ऑल पे डेथ में बॉल डालते हो। लेकिन अब आप पिच पुरानी हो गई है, अब स्पिनर को भी मदद मिलने वाली है। बात करेंगे पिच पे खेले जाने वाले कुछ आखिरी मुकाबलों की, WPL के ही खेले हुए मैचेस के बारे में, जिससे कि हम और डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी टीम यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस दी है, इसके साथ ही साथ वहाँ पर कौन चला, कितने रन बने और किसको ज़्यादा विकटें मिली है। तो चीज़ें क्लियर और करके दूंगी इस पिच के बारे में, क्योंकि आपको बहुत जानकारी चाहिए होती है। ये बात करेंगे गाइस दिल्ली कैपिटल विमेंस वर्सेस गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स ने, ये वो आखिरी मैच था दिल्ली कैपिटल ने अपनी लास्ट मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो हार मिली थी ना, 105 रन पे पूरी दिल्ली कैपिटल सिमट गई थी ना, उस हार का बदला यहाँ गुजरात जायंट्स पे पूरा कसर निकला था। सेम टू सेम वही हाल किया, गुजरात जायंट्स को 105 रनों पर ही समेट दिया था और उस मैच को काफ़ी इजली 10 विकेट से पूरे विकटों से जीता। शेफाली वर्मा ने खेली एकदम भयंकर पारी, वो अंडर-19 वाला वर्ल्ड कप याद आ गया जिसमें वो जीत के आई है, वहां परफॉर्मेंस। कमजोर टीम के सामने शेफाली का अंदाज कुछ अलग ही नजर आता है, 10 चौके 5 छक्के, भयंकर मैच हुआ। टोटल विकेटें गिरी वहां पर 9, 1 विकेट मिली आपके स्पिनर को, 8 विकेटें मिली है आपके पेसर को। उससे पहले एक मैच बात करेंगे, मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल के उस मैच में अगर मैं बात करूं, दिल्ली कैपिटल को 105 रन बना पाई थी, वही इसी मैच की बात कर रही थी जो हार मिली थी मुंबई इंडियंस से। पूरे 8 विकेटों से उस मैच को मुंबई इंडियंस ने इजली जीता था। टोटल 12 विकेटें गिरी थी, जिसमें स्पिनर को मिली थी 7 विकेट और पेसर्स को वहां पर मिली थी गाइस 5 विकेट। उससे पहले वाले एक मैच की तरफ चलते हैं, यूपी विमेंस वर्सेज डीसी विमेंस। उस मैच में तीनों ही दिल्ली कैपिटल यहां पर देखो ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुकी है। उस मैच में दिल्ली कैपिटल ने फोर्स बैटिंग करते हुए 211 रन बोर्ड पर लगाए थे और काफ़ी इजली 42 रन से उस मैच को जीत लिया था। ये दिल्ली कैपिटल का इस लीग का दूसरा मैच था, पहला मैच आरसीबी को हराया, दूसरा मैच यहाँ पर हराया था यूपी वॉरियर्स को, तीसरा मैच आप मुंबई इंडियंस के सामने हार गए 105 रन पे, और चौथे मैच में पलटवारी की और गुजरात टाइटंस को 105 रन पे सिमेट दिया। तो इस तरह की कुछ कहानी दिल्ली कैपिटल की रही है, 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मैच हारे मुंबई इंडियंस के खिलाफ। गाइज उस मैच को हम हारा भी नहीं कह सकते, क्योंकि मुंबई इंडियंस वो अनबीटेबल टीम बन चुकी है। बात करेंगे दोनों टीमों की क्या होने वाली है प्लेइंग 11। आरसीबी विमेंस की बात करने वाले हैं, ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे स्मृति मंदाना, जिनकी फॉर्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, उनका साथ देते हुए दिखेंगी सोफी डिवाइन यहाँ पर गाइज। लेकिन देखो, फॉर्म कुछ भी हो, कुछ बड़े नाम होते हैं जिनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, अगर उनको ड्रॉप करेंगे तो मैच ड्रॉप करने वाले हैं। और लास्ट मैच में शेफाली वर्मा ने ये प्रूव कर दिया था। फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगी एलिसे पेरी, जो आपको बैट बॉल दोनों से पॉइंट दिलाएंगी। ऋचा घोष को हमेशा मैं विकेट कीपर में प्रीफर करती हूँ, किसी भी मैच में अगर विकेट कीपर में ऋचा घोष ऑप्शन में है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है, आपको हमेशा वो स्टंपिंग कैच आउट और रन भी बना के देंगी।
हैदर नाइट की बात करेंगे। जब किसी को विकेट नहीं मिलती है तो वहां पर हैदर नाइट की बारी आती है, विकेट निकाल के अपने टीम को देती है। हमने देखा है पहले मैच में भी, उसके अलावा तीसरे मैच में भी इस तरह की परफॉर्मेंस फिर नजर आएंगी। एरिन बर्न्स की भी बात करें, ऑफ स्पिन बॉलिंग कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दो या दो ओवर तीन ओवर डाल सकती हैं, दो से ज़्यादा ओवर नहीं करने वाली हैं। कनिका आहूजा, श्रेयांका पाटिल यहाँ पर आरसीबी की तरफ से एक अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कराएंगे, पावर प्ले मिडिल ऑर्डर में बॉल डालेंगी। कोमल जानजात की बात करें, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराती हैं, पावर प्ले डेथ में फिर नजर आएंगी साना पवार भी लेग स्पिन बॉलिंग कराती हैं। एट लास्ट नजर आएंगी रेणुका सिंह राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराती हैं। गाइस पावर प्ले डेथ में, लेकिन रेणुका को अभी तक बॉलिंग से वैसा कुछ मिला नहीं है इस पूरे WPL में। ये मैच हो सकता है एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, एक टर्निंग मैच देखने को मिल सकता है जहां पर रेणुका परफॉर्म कर सकती है, GL के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। लेकिन रेणुका को अगर छोड़ के किसी भी बॉलर्स की अगर आप बात करो, श्रेयांका पाटिल मुझे थोड़ा प्रतिभा इनके अंदर दिखता है, बाकी तो हम किसी को भी ऐसा बहुत आउट ऑफ 10 बहुत ज़्यादा रैंकिंग नहीं करने वाले। तो गाइज बात करेंगे, बहुत सारे नए प्लेयर हैं, आपको नहीं पता होगा कि किस प्लेयर के किस तरह के रिकॉर्ड रहे, किस तरह के स्टार्ट्स रहे, क्योंकि आपको एटलीस्ट रहेगा ड्रीम 11 अगर आप छोड़ दो ना, तो आपको हर ऐप में 6-5 का कॉम्बिनेशन तो लगाना ही है या 7-4 का, 4 प्लेयर तो यहाँ से उठाने ही है। तो वो 4 प्लेयर कैसे उठाने वाले, उसके लिए हम बताएंगे इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी 5 मुकाबले के स्टैट्स की, क्योंकि ये वो स्टैट्स हैं जो आपको GL+SL की टीम बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करके देने वाले हैं। जनरली आप टीम बनाते हो तो दिमाग में क्या चलता है, अगर हम GL की टीम बना रहे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में चलता है कि हम सबसे रिस्की प्लेयर उठा लें, और हम स्मॉल लीग की टीम बना रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है यार सेफ जाना है, पैसे लग रहे हैं, छोटा खेलना है, बड़ा नहीं खेलना है, तो सेफ जाएंगे। और अगर बड़े अमाउंट के साथ खेलते तब तो बिल्कुल सेफ जाते हैं, तब तो कोई रिस्क लेने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। गाइस हम ही रिस्क ले रहे हैं, हम ही रिस्क दे रहे हैं, हमारा ही चैनल एक ऐसा है जो आपको इतनी रिस्क एबिलिटी के साथ टीम देता है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि टीम फॉर्मेशन में ये स्टैट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करके देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं, ये स्टैट वो स्टैट पे टू हेड टू हेड, अरे यार सबको सब चीज़ें पता होती है, लेकिन आखिरी 5 मुकाबले के स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेयर के आप प्लेयर को डिसाइड कर सकते हो कि किसके साथ हमें रिस्क लेना है और किसके साथ सेफ जाना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मृति मंदाना 2-35-23-18-4 आखिरी 5 मैच में स्मृति की फॉर्म आप देखो, सिर्फ 30+ की पारी एक बार आई है। क्या ये मैच एक टर्निंग मैच बन सकता है स्मृति मंदाना के लिए, ये तो बाद में पता चलेगा। सोफी डिवाइन राइट हैंडेड बैटिंग, 3 रन 14 रन 0 विकेट 16 रन 0 विकेट 66 रन, आखिरी मैच में 36 रन बने थे। हैदर नाइट 31-34 रन 2 विकेट 30 रन 2 विकेट, आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली है। पेरी की बात कर लेते हैं, 7 रन 0 विकेट 31 रन 0 विकेट 13 रन 0 विकेट 32 रन 0 विकेट, आखिरी मैच में पेरी ने 52 रन बनाए थे और काफ़ी बेस्ट ऑप्शन थी कैप्टन के लिए भी, लेकिन हम नहीं जाते हैं जनरली, लेकिन कैप्टन के लिए पेरी भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है RCB की तरफ से। अगर आप लोग को लगता है RCB मैच जीतेगी तो वहाँ से आप इस तरह का थॉट प्रोसेस लेके चल सकते हो। ऋचा घोष 14-2-28-10-1, ऋचा घोष भी अभी तक मुझे वो टच नज़र नहीं आ रहा है। कनिका आहूजा 1 विकेट 0 रन 22-10-8, श्रेयांका पाटिल 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली है। बॉन्स की बात करेंगे, 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट नहीं मिल रही है। गाइज RCB की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, विकेट किसी भी प्लेयर को नहीं मिल रही है। कोमल 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, आखिरी 2 मैच में विकेट नहीं मिली। रेणुका सिंह, आप देखो रेणुका सिंह को आखिरी 5 में से सिर्फ 1 मैच में 1 विकेट मिली है, तो आपकी मेन बॉलर को विकेट नहीं मिल रही है तो आप अदर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। साना पवार लेग स्पिन 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट, आखिरी 2 मैच से विकेट नहीं मिली है। बॉलिंग बहुत कमज़ोर है RCB की, इसका मतलब है कि आपकी शेफाली वर्मा कन्फर्म चलने वाली हैं। तो ये थोड़ा सा एक हिंट मैं देने वाली हूँ GL के कॉम्बिनेशन के लिए। गाइस यहाँ से अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो स्मृति डिवाइन हैदर नाइट पेरी ऋचा घोष ये टॉप 5 को टालो, बॉलर में श्रेयांका और रेणुका ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं, बाकी तो सारे रिस्की प्लेयर है। गाइस बात करेंगे दूसरे टीम की, क्या होने वाली है प्लेइंग 11। दिल्ली कैपिटल की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगी शेफाली वर्मा, उनका साथ देते हुए दिखेंगे मेग लेनिन। आखिरी मैच में 70+ की ताबड़तोड़ एक तरफा विनिंग सारी पारी खेली है शेफाली वर्मा ने, दिल जीत लिया है लड़की ने, गजब परफॉर्मेंस करके दे रही है। 2 मैच में नहीं चलेगी, लेकिन जब चलेगी तो वन साइडेड लेके जाएगी, और यही वजह है कि हम शेफाली को ड्रॉप नहीं करने वाले हैं। मेग लेनिन भी काफ़ी सेफ प्लेयर है, क्योंकि अभी तक जितने भी मैच हुए हैं दिल्ली कैपिटल के, आप कोई भी मैच उठा के देख लो,
वो हारा हुआ मैच जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ था, आप उस मैच को भी उठा के देख लो, मैग लेनिन ने अपना विकेट फेंक के नहीं गई थी, काफ़ी आराम से काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ खेलती है, तो बहुत सेफ प्लेयर है टीम में रखने ही नहीं, वाइस कैप्टन की चॉइस के लिए भी। फिर नज़र आएंगे एम काप, आखिरी मैच में एम काप ने गजब का पलटी मारा था और एक तरफा मैच को ले गई, 5 विकेट निकाल के पूरी टॉप ऑर्डर को फेल करके गजब का गुजरात जायंट्स को जो झटका दिया था एम काप ने ना, गजब का परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद नजर आएंगे जेम्मा रॉड्रिस, रॉड्रिस की देखो बैटिंग आनी, कितनी बॉल मिलेंगे ये महत्वपूर्ण रहने वाला है इस मैच में। लॉरा हैरिस की बात करेंगे, फिर रान नजर आएंगी जेस जोनासन, जेस जोनासन देखो वो खिलाड़ी है ना जो कभी तो बहुत कुछ कर देगी लेकिन कभी कुछ नहीं देके जाएगी, लेकिन फिर भी बॉलिंग में काफ़ी सेफ ऑप्शन हो जाती हैं। फिर नजर आएंगी तानिया भाटिया, मीनू मानी, शिखा पांडे, शिखा पांडे के साथ इस बार रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी रिस्क बहुत भारी पड़ा था गाइस क्योंकि शिखा पांडे ने 3 विकेट मारी थी, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, शिखा पांडे ने वो 3 विकेट में से 2 विकेट आपके नीचे में लिया था जहां पर कि आपके बॉलर परफॉर्म कर रहे थे, आपके टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर को शिखा पांडे ने डिसॉल्व नहीं किया था, उनका विकेट लिया था काप ने, वहाँ पर शिखा पांडे को मौका मिला बॉलर्स के सामने गेंद डालने का और विकेट निकालना काफ़ी इजी हो गया था, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होने वाला है। फिर भी शिखा पांडे के साथ आप जा सकते हो, 4 ओवर तो कंफर्म डालेंगी और पावर प्ले में भी, डेथ में भी, मिडिल में भी एकाका ओवर डाल सकती है। राधा यादव जिनको की विकेट नहीं मिल रही है, एकाका विकेट आपको लेके हर मैच में दे सकती है। एट लास्ट नजर आएंगी तारा नॉरिस, नॉरिस बहुत ही फेवरेट खिलाड़ी है, दिल्ली कैपिटल का पहला मैच हमको वन साइडेड विन कराया था, 5 विकेट निकालने वाली पहली इस WPL की पहली प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर नॉरिस के साथ देखो एक प्रॉब्लम है ना, नॉरिस को ओवर ही नहीं दिए जा रहे हैं, इनसे ओवर कराया ही नहीं जा रहा, आखिरी 2 मैच उठा के देख लो सिर्फ 1 ओवर डाला है खिलाड़ी ने, तो रिस्क यहाँ पर यह है कि नॉरिस कितने ओवर करने वाली है, इसलिए हमें नॉरिस से बेटर ऑप्शन शिखा पांडे या राधा यादव भी अब तो मुझे बेटर लग रही है। हालांकि अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो नॉरिस से बेस्ट कोई नहीं रहने वाला है। बात करेंगे इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी 5 मुकाबले के स्टैट्स की, क्योंकि ये स्टैट्स आपको GL+SL की टीम बनाने के लिए बहुत हेल्प करेंगे, मिनी GL के लिए भी। तो गाइस देखो आज का सबसे पहला गिव अवे क्वेश्चन ये रहने वाला है कि इस मैच में सबसे ज़्यादा विकेट कौन निकालने वाला है, क्या फिर से एम काप या फिर कौन निकालेगा यार, ये तो बाद में चलो पता चल जाएगा, लेकिन आप कमेंट करके बता देना कि इस मैच में सबसे ज़्यादा विकेट कौन निकालने वाला है और फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये स्टैट्स आपको टीम फॉर्मेशन के टाइम पे बहुत हेल्प करने वाले हैं। बात करेंगे शिफाली वर्मा, 9 84 17 2 76 रन, मैग लेनिन 10 रन 72 रन 70 43 21, मैग लेनिन की आप सारी पारी देख लो, सारी पारी अच्छी खेली है। जेम्मा रॉड्रिस 43 22 34 25, आखिरी मैच में बैटिंग नहीं आई। हैरिस 9 2 36 50, आखिरी मैच में बैटिंग इनकी भी नहीं आई। एम काप 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 5 विकेट, यहाँ पर एम काप को विकेट मिलनी थोड़ी मुश्किल है, अगर आप यहाँ से जाओगे 2 0 1 0 5 फिर 0 हो सकता है ये। तानिया भाटिया 42, आखिरी कुछ मैचों में बैटिंग नीचे आती है तो तानिया भाटिया को रखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और वैसे भी उधर से ऋचा घोष से बेटर मैं तानिया भाटिया को कभी भी फैंटेसी पॉइंट पे नहीं देखती हूँ। मीनू मानी 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, आखिरी 2 मैच से विकेट नहीं मिली है। मीनू मानी यार वैसे भी यंगेस्ट प्लेयर है, यहाँ पर बड़े बड़े नाम के सामने हम कहाँ मीनू मानी के साथ जाने वाले हैं स्मॉल लीग में। जेस जोनासन लेग स्पिन 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट, आखिरी 2 मैच से विकेट नहीं मिली है, यहाँ पर विकेट मिल सकती है जोनासन को क्योंकि 2 मैच से जो विकेट नहीं मिली ना उसका गुस्सा इस मैच में निकल सकता है RCB पे, और RCB हल्की टीम भी है तो काफ़ी ईजिली निकल सकता है। फिर नजर आएंगी शिखा पांडे 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, आखिरी मैच में 3 विकेट। राधा यादव 0 0 0 0, भाई विकेट नहीं मिली है, लास्ट मैच में 1 विकेट मिल गई थी गलती से। नॉरिस की बात कर लेते हैं 0 विकेट 5 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट, तो यहाँ एकाकी ओवर डाल रही है तो एकाकी विकेट मिल रही है, जहाँ पर ओवर किया था वहाँ पर विकेट मिली थी। तो गाइज इस तरह का दिल्ली कैपिटल का स्टैट्स रहने वाला है, अगर दिल्ली कैपिटल की तरफ से आप सेफ जाना चाहते हो तो आप शिफाली वर्मा, मैग लेनिन, जेम्मा रॉड्रिस और एम काप के साथ जा सकते हो। जेम्मा को आप ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन एम काप, जेस जोनासन, शिखा पांडे काफ़ी सेफ ऑप्शन है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ से आप हैरिस के साथ, भाटिया के साथ, मानी के साथ, राधा और नॉरिस के साथ रिस्क ले सकते हो। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है माई मास्टर 11 फैंटेसी एप्लीकेशन। गजब का एप्लीकेशन है, जल्दी से फ़ोन उठा के डाउनलोड कर लो क्योंकि यहाँ WPL में माई मास्टर 11 से बड़ा धमाका किसी भी ऐप पे नहीं होने वाला है। गिव अवे डेली मिल रहे हैं,
हजारों का गिव अवे है, फ्री में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, पैसे नहीं लगने, तो फटाक से डाउनलोड कर लो। इसके साथ ही साथ लो कमीशन कॉन्टेस्ट, लो कॉम्पिटिशन और 100% विनिंग गारंटी भी है गाइज। तो बहुत सारी चीज़ें, जल्दी से ज्वाइन कर जाओ माई मास्टर लर्न में। अब बात कर लेते हैं गाइज दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की। दोनों टीमों की अगर मैं हेड टू हेड में, अब हम आ चुके हैं इस वाले फेज में विमेंस आईपीएल में, क्योंकि दोनों टीमें अपना पहला मैच आपस में खेली थी और वहां पर दिल्ली कैपिटल ने, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 223 रन बोर्ड पे लगाए थे 2 विकेट खोकर, और वहां पर शेफाली वर्मा ने बहुत अच्छा स्कोर किया था और यहां पर भी कर सकती हैं। वहीं आरसीबी ने 163 रन बनाए थे, 60 रन से उस मैच को दिल्ली कैपिटल ने ईजिली जीता था। यहां क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वहां परफॉर्म किसने किसने किया था गाइज। दिल्ली कैपिटल की तरफ से लेनिंग ने खेली 72 रन की पारी, शेफाली वर्मा 84 रन, काप ने भी 39 रन मारे थे, शिखा पांडे को 1 विकेट मिली थी, कैप्सी को 2 विकेट मिली थी, और वही मैच था जहां नॉरिस ने 5 विकेट निकाल के हमको वन साइडेड विनिंग कराई थी। तो ये कुछ की प्लेयर दिल्ली कैपिटल की तरफ से रहने वाले हैं। आरसीबी की तरफ से स्मृति ने 35 रन बनाए थे, पेरी ने 31, हैदर नाइट 34 रन, सोफी डिवाइन 14, मेगन शूट 30 रन, हैदर नाइट को 2 विकेट मिले। यहाँ से की प्लेयर देखो, हैदर नाइट आपकी निकल के आ रही हैं, जो कि बॉलिंग भी किया, 2 विकेट भी निकाला और बैटिंग भी किया, 30 रन भी बनाए। तो ये स्टैट्स देख सकते हो, यहाँ से की प्लेयर निकाल सकते हो। तो वो एक मैच दिल्ली कैपिटल ने जीता था, ये दूसरा मैच अब दोनों टीमें खेलने वाली हैं। कौन जीतने वाला है ये तो अभी बिल्कुल भी नहीं पता चलने वाला है, लेकिन मैच प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है इस मैच का जल्दी से जान लेते हैं। और मेरा प्रेडिक्शन एज यूजुअल वेरी क्लियर है, जैसा मुझे लग रहा है इस मैच को दिल्ली कैपिटल जीतने वाली है। दिल्ली की दिलवालों की दिल्ली जीतेगी ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि बैंगलोर से मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, बहुत साल बैंगलोर में रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी गाइज वो चीज़ें बात की बात है। आप मुझे पता है यहाँ दिल्ली वालों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, हम दिल्ली को जिता रहे हैं। तो ये प्रेडिक्शन मेरा बहुत क्लियर है, मुझे लग रहा है दिल्ली कैपिटल जिस तरह के फॉर्म में चल रही है, आरसीबी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है हराना। कुछ उलट फेर हो जाए तो वो बात की बात है। दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म की बात करें, आरसीबी अपने आखिरी 4 के 4 मैच हारी है, वहीं दिल्ली कैपिटल अपने आखिरी 3 मैच हारी है, जो कि मुंबई इंडियंस से हार गई थी। 105 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हुई थी, मतलब दिल्ली कैपिटल 200 के प्लस बनाने वाली टीम 100 रन बनाने में हालत ख़राब कर दिया था मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने। तो इस तरह का कुछ रहा है। आंकड़ों की बात करेंगे तो सीधे सीधे दिल्ली कैपिटल ऊपर है आरसीबी के खिलाफ। बहुत बातें कर ली हमने, आज का हमारा दूसरा गिव अवे क्वेश्चन ये रहने वाला है कि इस मैच में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाने वाला है। तो जल्दी से आंसर कर दो, सबसे पहले आंसर कर दो, फटाक से बता दो सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा। बात करेंगे अपने वीडियो के सबसे मेन पॉइंट की, जो है हमारी फैंटेसी टीम की, हमने अपनी टीम में कौन कौन से प्लेयर को चूज़ किया है। विकेट कीपर में ऋचा घोष, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। बैटर की बात करें, हैदर नाइट, सोफी डिवाइन, स्मृति मंदाना एंड लेनिंग के साथ आप काफ़ी इजली जा सकते हो। ऑलराउंडर में पेरी, चिनासन, एम काप। बॉलर की बात करें, श्रेयांका पाटिल, शिखा पांडे, टी नॉरिस। यहाँ पर मुझे लग रहा है आप एक चेंज कर सकते हो गाइस, एकाका चेंज हम कर सकते हैं, जैसे कि हम डिवाइन को हटा के यहाँ पर शेफाली वर्मा को टीम में जगह दे सकते हैं, क्योंकि शेफाली के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। अगर फर्स्ट बैटिंग करते हुए दिल्ली आती है तो हम वहाँ पर ले सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है शेफाली को यहाँ जगह बिल्कुल मिलनी चाहिए। हालाँकि हमने अभी टीम यही बनाई है, कैप्टन के लिए पेरी बहुत सेफ ऑप्शन, बैटिंग बॉलिंग दोनों हो सकता है इस मैच में भी 50 लग जाए। वाइस कैप्टन के लिए एम काप या लेनिंग के साथ भी आप जा सकते हो, लेनिंग काफ़ी सेफ है क्योंकि बहुत टिक के खेल रही है, शांति के साथ धीरे धीरे बढ़ी पा रही। तो इस तरह का कुछ स्टैट्स रहने वाले हैं। टीम का स्क्रीनशॉट ले लो, हमारी सेम टीम के भी साथ जाओगे तो लॉस नहीं होने वाला है, कन्फर्म विनिंग होगी। 60 से 70% कॉन्टेस्ट जीत के आओगे। जीएल में और कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, तो कैप्टन के लिए पेरी, एम काप, वाइस कैप्टन की बात करें तो हैदर नाइट और मैग लेनिंग के साथ आप जा सकते हो। ये हमारे 4 की प्लेयर हैं इस मैच के लिए, जो मुझे लगता है इस मैच में परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करेंगे तो पॉइंट तो अपने आप मिल ही जाएगा, जो कि हम चाहते भी हैं कि हमारी गर्ल्स परफॉर्म करें और हमारे फैंटेसी पॉइंट डबल ट्रिपल होते जाएं और हमारी विनिंग हो। और अभी तक ये जो भी 4 नाम मैंने अपने सारे वीडियो में दिया है ना, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस 4 में से 3 प्लेयर आपको उसी मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट ला रही हूँ, उसके बाद भी आप कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं कर रहे हो। तो ट्राई करो कॉम्बिनेशन, क्योंकि जीएल की कहानी ही यही है, हर एक ऐप आपको नंबर ऑफ टीम के ऑप्शन क्यों देता है, इसलिए देता है ताकि आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन लगा सको, डिफरेंट वेरिएशन कर सको, कैप्टन और वाइस कैप्टन में चेंजेस कर सको, क्योंकि विमेंस में ना वैसे भी कुछ खास ऑप्शन नहीं आपके हर एक मैच में। यहाँ दिल्ली और बात करें दिल्ली बैंगलोर में भी आपके 4-5 प्लेयर ही की प्लेयर रहने वाले हैं,
वही पेरी, वही काप, वही लर्निंग, वही शेफाली, वही स्मृति, तो ये हमारे दिमाग में क्लियर है, तो हम क्यों ना सबके साथ कैप्टन के लिए जाएं, हैदर नाइट को हम क्यों ना वाइस कैप्टन चुने जबकि वो बैट बॉल दोनों से परफॉर्म की थी। तो कॉम्बिनेशन लगाओ गाइज, और हमेशा कहती हूँ जीएल में विनिंग करनी है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। सेफ जाने की अगर सोच रहे हो तो जीएल का रास्ता वहां से बंद हो जाएगा, और रास्ते बंद नहीं करने, हमको फैंटेसी में अपना रास्ता बनाना है और जीत का परचम लहराना है गाइज, हमको जीतना है। विमेंस आईपीएल हमारे लिए किसी मौके से कम नहीं है, तो इस मौके को बना लो। जीएल में विमेंस की टीम में जीएल जीतना बहुत आसान है, तो बना लो, मौका अभी भी है। बाकी आपको पता है हमारी फाइनल टीम यहाँ नहीं आने वाली है, हमारी फाइनल टीम आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है कोई बात नहीं, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिकबॉल, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर आपको मिलेगी हमारी लास्ट और बेस्ट विनिंग टीम जो आती है टॉस के बाद, लाइनअप आने के बाद जब हमें पता चल जाता है दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, टॉस जीत के बॉलिंग कौन करने वाला है, उसके बेसिस पे हमारी बेस्ट 11 में भी चेंज हो सकता है, कैप्टन वाइस कैप्टन में उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो वो सारे चेंजेस आफ्टर इफेक्ट टीम कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, जुड़ जाओ हमारे साथ गाइज, विनिंग करके जाओगे, विश्वास है, ये विश्वास जो अभी तक बनाया है आगे भी बनाए रखो। मैं वादा कर सकती हूँ हारने नहीं दूंगी, हमेशा आपको प्लस में रखूंगी, क्योंकि हम कोशिश बहुत करते हैं कि आप हमेशा जीतो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट मैच की पूरी प्रेडिक्शन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकंड लगता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन फोन के टॉप पे आ जाए, आपको पता चल जाए कि फैंटेसी क्रिकबॉल आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कौन से मैच का लेके आ चुकी है, और सारी डिटेल आप तक पहुंच जाए, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए कहती हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।